ये बड़ी खबर आ रही है मुंबई से सटे शहर वसई विरार के नालासोपारा पूर्व से, जहां पर एक इमारत का फ्लोर ही ढह गया। बेहद ही चौंकाने वाला घटनाक्रम है। इस पूरे घटनाक्रम में परिवार सुरक्षित है। इन परिवारों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। जानकारी मिली है शाम लगभग 6-7 बजे के आसपास ये घटना हुई है, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद मौके पर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस का दल बल और इसके साथ फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और उन्होंने परिवारों को सुरक्षित वरुण इंडस्ट्रियल वसईपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें तत्काल शिफ्ट किया गया। इसके साथ ही उस बिल्डिंग के सभी जितने भी निवासी थे, जितने भी रहवासी थे, उन सभी लोगों को वहां से हटाकर शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि घटना लगभग शाम 7 बजे हुई है। साईदीप बिल्डिंग है शिरडी गालानगर की, जहां पे ये घटना हुआ है। ये बड़ा हादसा होते होते बचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे का जो फ्लोर है, हिस्सा जो यूटिलाइज करते लोग उपयोग में लाते हैं, ऐसे उस हिस्से पर इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। पूरा हिस्सा ही नीचे से निकल गया है। और ऐसे घटनाक्रम में परिवार बेहद खुशनसीब था जो बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि ये घटनाक्रम होने के बाद महानगर पालिका की मनाली शिंदे जो है AMC असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर वो पहुंची, उनके साथ ही चंद्रकांत सरोदे जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं अचोले पुलिस स्टेशन के, और उनके जो कर्मचारी हैं वो मौके पर उनके साथ पहुंचे, और इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम वसई विरार शहर महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, सबको वहां से सुरक्षित घरों से निकाला है। और निकालने के बाद उन्हें वसईपुर के वरुण इंडस्ट्रीज में शिफ्ट किया गया है, और ये टेम्परेरी शेल्टर दिया गया है महानगर पालिका की तरफ से। जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती है और सुरक्षित नहीं हो जाती है, तब तक महानगर पालिका की तरफ से लोगों को वहां रहने के लिए और खाने पीने का इंतजाम महानगर पालिका की तरफ से करके दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, बेहद ही डरावनी तस्वीरें हैं महानगर पालिका क्षेत्र में, जहां पे ये अचानक इमारत का जो फ्लोर था वो ढह गया। और इस पूरे घटनाक्रम में परिवार बहुत ही भाग्यशाली रहा और किसी तरीके से वो बाल बाल बच गए। पूरे घटनाक्रम को देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। महानगर पालिका अधिकारी, इसके साथ ही पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी के साथ साथ और महानगर पालिका के दूसरे जो कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड के, वो सारे मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है फिलहाल, और सील करके उन्हें दूसरे बाकी लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, रूम लॉक करूं।